गल करते हैं नवजोत सिद्धू दे नवे सलाहकार दी। सलाहकार बनते ही उन्होंने वो किया जो हुण तक सिद्धू करते आए हैं। नवजोत सिद्धू के नवे सलाहकार मलविंदर माली ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के उत्ते वड्डा हमला किया। कैप्टन के उत्ते उन्होंने इल्जाम लाए ने कि वह सूबे दे विच नरेंद्र मोदी ते अमित शाह दे नाल मिलके डर का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये नवें जिहड़े सलाहकार कल ही लाए गए हैं उन्हां दा बयान आया फेसबुक पोस्ट उन्होंने की है जिस लिखा है कि डर ते दहशत का माहौल पैदा किया जा रहा है। किसानी घोल ते पंजाबियों दे लई ये खतरे की घंटी है। उन्होंने लिखा कि कैप्टन ने मोदी ते अमित शाह की सियासत पंजाब च लागू करन लई अपना एजेंडा केंद्र नूं सौंप दिता है। मुख्यमंत्री वल्लों अमित शाह तो 25 अर्ध सैनिक बलों दी टुकड़ियां दी मंग दा भी उन्होंने जिक्र किया। फेसबुक पोस्ट राही सीधा सीधा निशाना मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दे उपर कांग्रेसी वल्लों साध्या गया जिस तरह दे नाल जो शब्दावली कैप्टन दे खिलाफ हुण तक सिद्धू वरदे ने ये उन्होंने लिखिया अपनी फेसबुक पोस्ट ते पंजाबीओ होशियार ते खबरदार कैप्टन अमित शाह ते मोदी दी तिकड़ी वल्लों पंजाब अंदर मुड़ बेविश्वासी फिरकू तनाव डर ते दहशत पैदा करन दे संकेत पंजाबियां ते किसान घोल लई खतरे की घंटी है। पर कैप्टन ने पंजाब अंदर मोदी ते अमित शाह की सियासत लागू करन लई अपना एजेंडा केंद्र सरकार नूं सौंपिया। कैप्टन ने अमित शाह कोल पंज किसान आगुआं दी जान नूं ते पंजाब अंदर हिंदू मंदरां ते हमले की संभावना नूं उभारिया। पंजाबियां ते किसान घोल वल्लों पुर अमन ते भाईचारक सांझ दी बुलंदी दे झंडे गड्ढे होण नूं नकारदिआं पाकिस्तान शह प्राप्त तत्तां वल्लों पंजाब अंदर हिंसक कार्रवाइयां होण दा जायजा पेश करके वड्डी गिणती विच अर्ध सैनिक बलों की अमृतसर जलंधर लुधियाणा मोहाली पटियाला बठिंडा फगवाड़ा ते मोगा अंदर तैनात करन दी मंग की है जिसका खर्चा भी पंजाब सरकार नूं ही चुकना पै सकदा है। तां इह सीधा सीधा दोष लाए गए ने मुख्यमंत्री दे उपर कांग्रेस आगू वल्लों मलविंदर सिंह माली जो कि कल ही सलाहकार जड़े ने लाए गए ने नवजोत सिंह सिद्धू दे कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू दे ते उन्होंने सीधा कैप्टन दे उत्ते निशाना साध्या अपनी ड्यूटी शायद इन्होंने सब तो पहले यही समझी है। तो जिस तरह के नाल नवजोत सिंह सिद्धू लगातार निशाने साध दे रहे ने कैप्टन अमरिंदर सिंह दे उपर हुण शायद ये ड्यूटी उन्होंने सलाहकार नूं मिल गई है ते उन्होंने आउंदे सार बहुत वड्डा हमला किया है पंजाब के मुख्यमंत्री के उत्ते। उन्होंने इल्जाम लाया कि मुख्यमंत्री अमित शाह ते नरेंद्र मोदी नाल मिल के पंजाब के अंदर दहशत का माहौल पैदा करना चाहते हैं। तो दस दिए कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाल मुलाकात की सी। इस तो पहला गृहमंत्री अमित शाह नाल भी मुलाकात की सी ते उस दौरान उन्होंने मंग की सी कि पंजाब के अंदर जो माहौल है इस वेल बनया होया डर दा ते सानू अर्ध सैनिक बलों दी टुकड़ियां CAPF की तैनाती मंगी सी 25 टुकड़ियां दी ते उस नूं लैके कांग्रेस आगू का कहना है कि ये दहशत का माहौल पंजाब जानबूझ के पैदा कर रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री नूं मिलके कहा सी कि पंजाब के अंदर जिहड़ा किसान अंदोलन चल रहा उसका पाकिस्तान फायदा चुक सकता है। इस नूं लैके भी मलविंदर माली ने कहा कि यह तो जानबूझ के किसानां दा जिहड़ा शांतिपूर्वक अंदोलन है उस नूं भी भड़का रहे ने उस दे विच पाकिस्तान दा जानबूझ के नाम लै रहे ने। एक बार फिर तुहानूं दस दें की लिखिया उन्होंने बलविंदर माली ने उन्होंने लिखिया पंजाबी होशियार ते खबरदार कैप्टन अमित शाह ते मोदी दी तिकड़ी वल्लों पंजाब अंदर मुड़ बेविश्वासी फिरकू तनाव डर ते दहशत पैदा करन दे संकेत पंजाबियां ते किसान घोल लई खतरे की घंटी है। पर कैप्टन ने पंजाब अंदर मोदी ते अमित शाह की सियासत लागू करन लई अपना एजेंडा केंद्र सरकार नूं सौंप दिता है। कैप्टन ने अमित शाह कोल पंज किसान आगुआं दी जान नूं ते पंजाब अंदर हिंदू मंदरां ते हमले की संभावना नूं उभारिया पंजाबियां ते किसान घोल वल्लों पुर अमन ते भाईचारक सांझ दी बुलंदी दे झंडे गड्ढे होण नूं नकार के पाकिस्तान शह प्राप्त तत्तां वल्लों पंजाब दे अंदर हिंसक कार्रवाइयां होण दा जायजा पेश करके वड्डी गिणती विच अर्ध सैनिक बलों की जिहड़ी तैनाती मंगी गई है अमृतसर जलंधर लुधियाणा मोहाली पटियाला बठिंडा फगवाड़ा ते मोगा अंदर जो तैनात करन दी मंग कीती है ते इस दा खर्चा भी पंजाब सरकार नूं ही चुकना पै सकदा है। तां सीधा सीधा कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो पिछले दिन कोशिशां कीतियां उस सब नूं लैके कांग्रेस दे आगू ही जिहड़े ने उह सवाल चुक रहे ने ते खास उह आगू जिहड़े कि सलाहकार बणे ने नवजोत सिंह सिद्धू दे।
मोदी ते अमित शाह दे नाल मिलके पंजाब अंदर दहशत का माहौल पैदा करने के इल्जाम लाना बहुत कई मायनों के बहुत कुछ कह रहा है कि कांग्रेस आगू ही जिहड़े ने कैप्टन के उपर निशाने साध रहे ने वो लोग जिहड़े कि सिद्धू नाल जुड़े ने ते सीधे आउंदे सार वो काम कर रहे ने जो हुण तक सिद्धू करते रहे ने। ये तो सिद्धू साहब ने देखना कि किसी नूं एडवाइजर लाउणा है नहीं लाउणा, पर जिन्हों लाया उन्होंने लगन तो पहले ही छड़ क्यों गया, ये जवाब तो तुसीं उन्होंने पूछो। पर जिस तरह की बयानबाजी जिहड़ी है आनी शुरू हुई है सिद्धू साहब की तरफों अपने एडवाइजरां दे राहीं, वह स्टेट वास्ते बड़ी महत्वपूर्ण है। लगता है कि सोनिया गांधी ने पार्टी के प्रधान को हदायत देती हैं कि किसी तरीके जिहड़ी हैगी है मुख्यमंत्री नूं जिहड़ा तुसी बदनाम करो। ये क्लीयर कट लगता है कि कांग्रेस नूं समझ लगन लग गई कि कैप्टन अमरिंदर सिंह दे नां दे उत्ते हुण पंजाब दे विच तुहानूं वोट नहीं मिल सकता, इस करके उन्हूं डिफेम किवें करना है ये जिम्मेवारी सोनिया गांधी ने लगता है कि पंजाब कांग्रेस के प्रधान नूं देती कि जे प्रधानमंत्री नूं ते होम मिनिस्टर नूं मिल के आया तो सिद्धू साहब के कैंप वालों ये सवाल खड़े किए गए हैं कि उत्ते सौदा होया। ये तो हम सोनिया गांधी को पहले दसना चाहिए कि जिस व्यक्ति को तुसी अपॉइंट किया पंजाब का सीएम की तुहाडे प्रधान की टीम जिहड़ी उहदे ते क्वेश्चन खड़े कर रही है कि वह सही है कि नहीं सही है। मैं तो चाहांगा कि कांग्रेस की हाईकोर्ट को इतने स्पष्टीकरण देना चाहिए कि पंजाब वास्ते चीज़ां बहुत गंभीर ने। देखो मैं तो कहना ऑर्डर भी दो पासे हो रहे हैं ना, एक पासे तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ऑर्डर लैन जाते हैं उन्होंने वक्रे ऑर्डर होंगे, दूजे पासे सिद्धू साहब की टीम को ऑर्डर होंगे कि इन्हू पूरी तरह जलील करो। नुकसान साडा स्टेट का कर रहे हैं, किस गल का बदला लै रहे हैं स्टेट को, इस गल का मुख्यमंत्री जिहड़े है सोनिया गांधी को जवाब देना चाहिए कि क्यों पंजाब की यह हासोहीन स्थिति उन्होंने बनाई हुई है।